your visit to India, let us know about it. Like, are you liking it or not? I'm in, totally in love with India so far, and I cannot wait to see everything in 2-3 days. I'm already, you know, touched by everything I saw, and you know, today I wanted to pay tribute to the Indian culture and the spirituality, because you guys are so calm, so relaxed. And I have a lot to learn about that. We are living a busy life all the time. So since I'm here, in 2 days I feel relaxed. My eyes are shining, and you know, I'm getting emotional for everything, all the historical places I've been seeing, I've been visiting. I cannot wait also to see Taj Mahal, for instance, because they told me you can ask a reply for love, and all we need is love nowadays. Okay, so tell us something about today's event. You know, you are hosting a dinner party for, you know, Bollywood people. So tell us something about today's event. I think this question goes to Kumar ji. Aap bataiye, aap Indian bhi hain, Italian bhi hain. So aaj ki evening kya special hai aaj? Okay, Hindi mein jawab deta hu. थैंक यू फॉर सबका बहुत धन्यवाद पहले आपके सबका आने के लिए. तो ये एक छोटा सा, मैं आपको बताऊं इनका कैसे आना हुआ यहाँ पे. एक छोटा सा मिराकल हुआ. जैसे ये एलए में थी, एलए में इनका जस्ट एक ट्रेलर रिलीज हुआ शेल्टर, तो वहाँ से ये मिलान पहुँची. तो इन्होंने मेरे को बताया कि मैं अभी मिलान लैंड की हुई, तो मैंने बोला अच्छा ओके. तो मैं यहाँ ऑलरेडी एक MPL चल रहा है, IPL के बाद जो खत्म होगा तो उसको ज्वाइन किया. उसके लिए मैं स्पॉन्सर किया ये बाबा इलायची का. तो जब मैंने देखा कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये बॉम्बे प्रीमियर लीग जो है, बच्चों का बहुत सारा बच्चों का चांस मिल रहा है इसमें स्पोर्ट्स में, तो इनको बच्चों को इंकरेज करने के लिए कुछ अच्छा कुछ नया करना चाहिए. तो फिर मैंने इसे डिस्कशन किया, मैं ऐसे ऐसे करके इनको हम प्रमोट करते हैं. तो सॉरी है ओके. तो फिर इनसे डिस्कशन करके बहुत अर्जेंटली ऐसे ये कैंस में थी, कैंस में इनसे बातचीत हुआ. तो इनको भी मेरा आइडिया अच्छा लगा कि क्यों नहीं, और इटली और इटली का भी कल्चर बिल्कुल काफ़ी इंडिया जैसा ही है. और मैं ऑलरेडी वहाँ पे 32 साल से हूँ, और इंडिया आता जाता रहता हूँ, मेरा दिल्ली में ऑफिस भी था. तो मैंने डिस्कशन किया, मैं कुछ नया क्रिएट किया जाए. एक तो इनको सपोर्ट किया जाए, बच्चों को सपोर्ट किया जाए. आज मैं देखता हूँ इंडिया में काफ़ी लोग, बच्चे जो है पंजाब के और काफ़ी जगह के देखता हूँ, काफ़ी नशे में जा रहे हैं. तो मैंने सोचा कि कुछ नया कुछ इनको प्रमोट किया जाए, ताकि इनको स्पोर्ट्स में की तरफ बच्चों को लगाया जाए, तो इनको एक नया दिया जाए. तो इसलिए इनको लेके आया, इनको प्रमोट किया, और बॉलीवुड और इटालियन कल्चर को मिला के और बहुत बड़ा एक बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है. बहुत बहुत बड़ा इसमें होप है. तो एक छोटी सी मेरी ये एक स्टार्ट है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ. इसमें बहुत बड़ा साथ दिया मेरा सीनियर जो के अली मर आलिम भाई, और सब लोग मेरा काफ़ी बड़ा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मेरे आइडिए जो है उनको सबको अच्छे लगे हैं. ETS मेरा टीम था, ETS ईगल थाने स्ट्राइकर जो कल हम अच्छा मैच जीते इनकी वजह से. इन्होंने जाके उनको जब बच्चों को थोड़ा सा इंकरेज किया, तो उन्होंने देखो कैसे खेले, 11 ओवर में उन्होंने पूरा मैच ओवर किया. लेकिन हमारा जो स्टेटस था, सामने वाली मैच दूसरी टीम हारती तो हम लोग अंदर जाने वाले थे. कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है. बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए. और मैंने इन लोगों से बहुत सीखा, इटली से बहुत कुछ मैंने सीखा, डिजाइनिंग और ये सारा कुछ मैंने काफ़ी कुछ इनसे लिया है. तो मैं चाहता हूं कि इनको मैं कुछ वापस भी दूं. इटली में 30 साल मेरी लाइफ बीती है, और 26 साल 8 साल उसमें दुबई में भी था, 40 साल हो गए मुझे इंडिया छोड़े हुए. तो काफ़ी अभी मैं वापस आया हूं. तो एक्चुअली आया तो मैं टेक्नोलॉजियाँ लेके, अभी मैं सारा आप देखेंगे जल्दी इलेक्शन का वेट कर रहा था मैं, सारे डेलिनेटर लगा रहा हूँ पूरे जितने इंडिया के रोड 5.6 मिलियन किलोमीटर रोड हैं, सारे अंधेरे में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं. तो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया इटली ने, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में ऑलरेडी लग रही है,
और ये एमपी में मध्य प्रदेश में ऑलरेडी आके प्रेजेंटेशन दे चुका, उसमें 10,000 किलोमीटर में मैं गवर्नमेंट को फ्री में लगा के दूंगा, उसमें एक छोटी सी ऐड आएगी जिससे ऐड से वो अर्निंग लूँगा, तो आदमी के एक्सीडेंट भी बच गए। तो इस तरीके से काफ़ी उसमें मतलब वो आइडिया मेरा अच्छा लगा गवर्नमेंट को, तो इसलिए सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में रुका हूँ। फिर वेस्टेड टेक्नोलॉजी लेके आया, ब्रेस्ट कैंसर एक मेन मुद्दा है जो इंडिया के अंदर आई थिंक 6 से 7 लाख वोमेंस की डेथ होती है साल के अंदर, तो ये कनाडा और रशिया ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की है ब्रेस्ट कैंसर का, वो भी मैं टेक्नोलॉजी हायर करके लेके आया हूँ। वो फ्री के कैंप लगेंगे, कोई पैसा नहीं होगा किसी के लिए, वो सारा गाँव गाँव जाके हम कैंप लगाएंगे और उनको बच्चों को सेफ करेंगे। ठीक है, यदि मैं इस काम इस टेक्नोलॉजी से काम करता हूँ तो 10 साल बाद एक भी वोमेंस का डेथ नहीं होगा इंडिया में। तो अब गवर्नमेंट को थोड़ा साथ देना है, मीडिया को साथ देना है, अब देखेंगे मेरी टेक्नोलॉजी कभी मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है इंडिया का वेस्टेज का, ये जो सारे आप देखते हो हॉस्पिटल में आके देखता हूँ भरे पड़े हैं बीमारियों से, लोग तड़फ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो इसका मेन मुद्दा है ये सारे जो पहाड़ बने हुए हैं, ये सारा जो पुराना कचरा जमा करके हमने रख दिया है, ये सारे गैसें निकलती हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोई इंडिया के पास या किसी भी के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसमें भी इटाली ने ही एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, RDF आप बोलते हैं उसको, कार्बन बनाते हैं उससे, तो ये टेक्नोलॉजी हायर करके लेके आए हम। तो इसलिए 2-3 ग्रुपों के साथ मेरा टाई अप हुआ है, ये ईगल थाने जो है ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड इनका नाम है, इनके साथ मेरा ये डेलीनेटर का जॉइंट वेंचर हुआ, और ये जो DS ग्रुप है ये मेरे साथ आने वाले हैं वेस्टी टेक्नोलॉजी में। तो ये एक अचानक सारे काम में मैं तो आया था ये काम करने, अब ये जुड़ गया आके इसमें क्या कहते हैं लीग में, तो लीग के लिए मैंने ये क्रिएशन किया है कि ये एक नया कुछ करें, तो बस ये मेरा है। Yes, first of all, I want to thank my friend Eskumar for having me, for having this idea and let me come. So I traveled the world since so many months, and now I found my peace. And I want to also thank from the bottom of my heart Mr. Baba Ilaichi for having me, for supporting my dream of a lifetime, actually, because my desire in coming to India, it was in me since I was a little kid, and right now I feel like a kid in a Luna Park. Having the chance is like the law of attraction. You dream of something and you achieve it. And my desire is being surrounded by the great Bollywood actors, because I know they are so talented. I saw some movies. You also met them at Cannes recently, Deepika, Priyanka, Sure, Priyanka and Salma Khan, it could be a perfect partner for me in a movie that could be a romantic comedy, a love story, why not? I'm open for that. Okay, so also would like to know that you are, would like to tell you that you are looking beautiful. So how are you liking the Indian wear that you are wearing? Yeah, today, yes, I want to wear, under the suggestion of my friend, something typical from India, and also the bindi, which is also a meaning, you know, as a meaning for me, not always the third eye, to be open mind, also not judgment. And this is what I learned since so many years from the masterclass of acting, not judgment. This is the key word, to live better, to feel free, to be connected with our spirituality. And this is the key for me to live better in this world right now. Okay, thank you so much, sir. All the best for your idea, and thank you so much. Thank you. There's one question that I want to ask. Anila, what about Indian food? You travel Mumbai, your experience with Indian food, and what is that you really like here? Yes, I have to say that I really love, for instance, rice dal, and what else? Upma. I tried twice also, because it's so light, healthy and nourishing, so it's the perfect combination. And pani puri. Ah, pani puri, sure. And what else? We have a few days more to discover the Indian cuisine. So
Yes, yes, I'm gonna wait all of you on Sunday in Sin City for another great event, and I want to talk to everyone actually, because I'm really open. I'm open my mind and my heart to learn about every single experience. You are a wonderful community of people that moves in peace, in love. I used to say love and light is my wish to everyone. And in this moment for my trip, which is also an unforgettable journey of life, I'm gonna keep in the innermost of me all the wonderful memories, just like when I went in the stadium to support the team, the T20 for ETS and for the cricket. In some way, you know, I was the lucky fairy to them to give my good vibes, and it's still in my eyes all the emotion of them, and no words. मुझे बहुत खुशी है भाई कि एक्ट ओडेला जो है वो इंडिया आ रही हैं, वो हम लोग कल्चर को जानने की ट्राई कर रही है। मैं सुना है आज मंदिर वंदिर भी जाके आई इस्कॉन, तो वेरी गुड, हमें बहुत खुशी है। हम लोग तो अतिथि देव भव वाला देश है, और हम चाहते हैं कि बाहर के लोग हिंदुस्तान आएँ, देखें, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो स्पेक्टेक्युलर है, अमेजिंग है। देखो अभी हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे, हमारे दोस्त हैं मोरानी, यानी वो हमारी फैमिली है, तो जब वो कोई इवेंट करते हैं तो हम लोग तो वहाँ ऑटोमेटिकली पक्का जाएंगे, और आज पहली बार इनसे मिलेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि यानी बड़े अच्छे दिन में आए हैं, अभी हमारा जो बोलते हैं अच्छे दिन नंबर टू स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्या बधाई देना चाहेंगे? अरे मोदी जी को बधाई क्या देना, हम लोग मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि मोदी जी 300 सीट से ऊपर जीतेंगे, 350 ही आ गई तो बहुत खुशी की बात है। हमें समझ नहीं आता, हम लोग यहाँ मुंबई में बैठे हैं, हमें समझता नहीं चलता कि क्या हो रहा है देश के अंदर, लेकिन जितना काम मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है हिस्ट्री में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, उनने जो गरीबों के लिए किया है किसी ने आज तक नहीं किया। बिंदु जी, एक अलग अटके सवाल है, सीनियर सिटीजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीनियर सिटीजन, देखो सीनियर सिटीजन मोदी जी हर कोई भी चीज़ के लिए छोड़ नहीं रहे कोई कसर, उनने जो गरीबों के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए किया है वो तो आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब सब लोगों की पेंशन, सब लोगों को कोई टेंशन नहीं फॉर द मेडिकल, उनको मेडिकल की इंश्योरेंस भी बहुत छोटे में करने का, बहुत चीज़ें सीट ट्रेन्स में बसेस में हर जगह उनने बहुत किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान के सीनियर सिटीजन्स की पेंशन लग जाएगी। वो एक चीज़ है कि वो अमीरों को बोलते हैं कि प्लीज़ गरीबों को थोड़ा आगे बढ़ने दो, तो हम लोग ये सब को पेंशन नहीं लगेगी, लेकिन गरीबों की पेंशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी लग जाएगी। सीनियर सिटीजन्स को क्या आप चाहते हैं? सीनियर सिटीजन्स जो हिंदुस्तान के हैं वो मुझे लगता है बहुत खुश हैं कि मोदी जी दोबारा आए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे काम करता है, एक भी छुट्टी नहीं लेता, हम लोग बहुत खुश हैं। अब मुझे लगता है सीनियर सिटीजन नहीं, जूनियर 18 साल वाले जितने बच्चों ने पहली बार वोट किया, सब ने मोदी जी को वोट किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मोदी जी को वोट किया, तो बहुत खुशी है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। It's a very, very good thing that all the countries in the world have welcomed Bollywood, and now Anjanella is just come down this week for a few things. She's collaborating a lot with S. Kumar, the designer, and the government of Italy to bring in a lot of positives for Bollywood when we go and shoot their locations, rebates. So that's the agenda where she's come here for meetings. Also, she's representing for the Mumbai Strikers, Eagle Thana Strikers, the team which is playing in the MCA, and so she's here, and she's a very big dignitary where her film Shelter is just going to be released now. Very popular actress in Italy, and
doing a lot of good work. She was at Cannes, and we welcome her to Mumbai. Lucky, look lovely. Is the outfit Italy inspired in some way? Well, it is Italian, yes, and just trying to make Antonella feel at home. Well, yeah, so we always promote Indo-Western collaborations, whether it's movies, whether it's musicals, and whether it's music. And so we welcome Antonella with open arms, and we really feel good that somebody from her side of the world has today come here into Mumbai, into Bollywood, and we trying to make herself, you know, like to make her feel as comfortable as ever. And let's see, ventures. Working also on the lot of the event side, and welcoming a lot of Indian events to Italy, giving a lot of facility to the Indian event planners and the wedding planners to do weddings over there. So there's a lot in talk now. Let's hope for the best. And she's here straight from Cannes, so you know, it's a good time. It's a good moment for all of us to party. Yeah, basically she wanted to meet the industry, and this is a small welcome by the Marriott where she is staying here. And thank you so much, Marriott, for having her, and also Sunday where she will be meeting a lot of Bollywood. So we're looking forward to that. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.